हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस आवर रिमेनिंग चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। वैली। अ वैली इज एन एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। इट हैज वेरी फर्टाइल लैंड। ओके, जो वैली एरिया है वो दो हिल्स और माउंटेन के बीच में रहती है। लुक एट दिस पिक्चर लाइक दिस। ओके, ये देखिए यहाँ पे नीचे वैली है। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? वैली। नेक्स्ट, डेजर्ट। लुक एट दिस पिक्चर, रेगिस्तान एरिया, यहाँ पे डेजर्ट है। यहाँ पे बहुत सारी सैंड दिख रही है आपको, रेत दिख रही है, ये कैमल है। ओके, ये रेगिस्तान एरिया है। ओके, डेजर्ट इज एन एरिया विद वेरी लिटल और नो रेनफॉल। डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ओके, इट इज कवर्ड विद सैंड। सैंड मीन्स होता है रेत। ये किससे कवर्ड रहता है? रेत से एंड रॉक से और पत्थरों से। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। बहुत ही कम प्लांट्स, पेड़ पौधे और एनिमल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, क्योंकि रेगिस्तान एरिया है तो वहाँ पे ना ही हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ना ही बारिश होती है, और अगर बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, और वहाँ के एनिमल्स हैं वो वहाँ पे अपना खाना कैसे खा पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे बहुत कम, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर। बहुत ही कम हमें वहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं और एनिमल्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। यस, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विद मैनी ट्रीज। लुक एट दिस पिक्चर। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जो किससे कवर्ड रहता है? कवर्ड विद मैनी ट्रीज, बहुत से ट्रीज से कवर्ड रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर फाउंड हियर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, अलग अलग तरह के एनिमल्स हमको मिलेंगे यहाँ पे, अलग तरह के बर्ड्स मिलेंगे और अलग तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज। ओके, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ओके, 3/4 जो अर्थ है किससे कवर्ड है? वाटर से। ओके, लेक, रिवर, ओशियन एंड सी आर ऑल वाटर बॉडीज। ओके, लेक है, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं एंड सी हैं वाटर बॉडीज। ये यहाँ पे पानी पाया जाता है। ओके, व्हेन द स्नो ऑन द हाई माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, दिस वाटर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेम, मैनी स्ट्रेम ज्वाइन टू फ्रॉम और रिवर। ओके, जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बर्फ जब पिघलती है, मेल्ट होती है, वो पानी में बदल जाती है। और ये पानी कहाँ आकर मिलता है? वो पानी किसके रिवर को ज्वाइन करता है। ओके, तो वो रिवर भर जाती है, ठीक है। जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बर्फ पिघलती है, वो किस में चेंज हो जाती है? बर्फ पिघलने के बाद पानी में चेंज हो जाता है, और वो पानी कहाँ पे आके मिल जाता है? रिवर में। लुक एट दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर सराउंडेड बाय लैंड। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ब्यूटिफुल लेक। ओके, जो लेक है वो लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर सराउंडिंग बाय लैंड। लेक जो रहती है उसमें सबसे फ्रेश वाटर रहता है। ओके, जो लैंड है, सराउंडिंग लैंड में सबसे अच्छा साफ सुथरा पानी रहता है। ओके, नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी। सी वाटर इज सॉल्टी। जो सी वाटर रहता है वो क्या रहता है? सॉल्टी। सॉल्टी मीन्स नमकीन रहता है। वी कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। हम इसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सी वाटर रहता है वो सॉल्टी रहता है, नमकीन रहता है, खारा रहता है, जिसको हम बोलते हैं ना खारा पानी। तो खारा पानी हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हाफ चैप्टर, और इसमें हमने आज डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया, फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया,
वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस किया और लेक के बारे में डिस्कस किया कि पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है वाटर बॉडी के बारे में. ओके ओके, नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.